बट फिर भी मैं आपा से शेयर कर देती हूँ क्योंकि आज टॉपिक पर ही हमने रहना है. बट फिर भी आपा, इन्होंने कहा इनकी मामा को बहुत ज्यादा वीकनेस है, इसके बारे में कुछ बता दें. वीकनेस है बेटा, उनको देसी चूजे की यखनी पिलाओ, बेहतरीन चीज है ताकत के लिए. एक चूजा लिया, उसको धोया, अच्छा ये देखो ये हो गए, इसको मैं बंद कर रही हूँ ठीक है, ताकि हम ज्यादा ना पकाएं. एक चूजा लिया, उसको तुमने धोया, धो के साबे चूजा साफ करके तकरीबन 4 गिलास बड़े गिलास पानी डालो, चंद लहसुन के जवे डालो, काली मिर्चें डालो, अदरक डालो, अगर कोई सब्जी डालना है वो डाल दो, थोड़ा सा नमक. अब बेटा ढक्कन ढाँक के चारों तरफ आटा लगा लो ताकि भाप बाहर ना निकले, अंदर ही रहे. वो पक पक के जब 2 प्याली रह जाए तो 1 प्याली सुबह पिलाओ, 1 प्याली शाम पिलाओ ठीक है. एक सेब लो रोज़ाना सुबह, उसको काटो, छीलो, क्यूब्स बनाओ और एक छलनी में रखो, नीचे पानी रखो, छलनी में सेब डालो, उसको स्टीम कर लो. जैसे वो ज़रा सा नरम हो भाप से, उसमें 1 चमचा शहद डाला, अम्मा को सुबह सुबह खिला दिया. खजूर का मिल्क शेक पिलाओ. ये सब चीज़ें ताकत की चीज़ें हैं जिससे कमज़ोरी अंदर से निकलती है और आदमी हशाश बशाश हो जाता है. चलने में मज़ा आता है, काम करने में मज़ा आता है, पॉजिटिव सोच हो जाती है, हर काम अच्छी तरीके से सोचता है. जब कमज़ोरी होती है तो नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, आदमी हर चीज़ को बुरे में सोचता है, तो घर का माहौल भी ख़राब होता है. ये करके देखो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे.